लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, बैठक से पहले मनमोहन सिंह से मिले राहुल, प्रधानमंत्री निवास पर हुई बातचीत। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह में लंबी मुलाकात, करीब घंटे भर तक चली दोनों के बीच बातचीत, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। राहुल के बाद प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी ने भी की बातचीत, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक से पहले दोनों के बीच 15 मिनट की मुलाकात। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, पार्टी के कई आला नेता बैठक में मौजूद। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में आम आदमी पार्टी के बढ़ते वर्चस्व पर भी चर्चा, मोदी को रोकने की रणनीति पर भी माथापच्ची। 2014 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, प्रत्याशी चुनने के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। पार्टी ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को गुजरात राजस्थान में दिया उम्मीदवार चुनने का जिम्मा। गृहमंत्री शिंदे को बिहार और बंगाल की जिम्मेदारी, दोनों राज्यों में उम्मीदवारों का करेंगे चयन। राहुल गांधी के करीबी जितेंद्र सिंह को पार्टी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, यूपी में स्क्रीनिंग कमेटी को हेड करेंगे। अब राहुल के घर कांग्रेस नेताओं से नहीं मिलेंगी प्रियंका, बैठक का बदला ठिकाना, तीन मूर्ति भवन में की बैठक। राहुल गांधी के घर पर रहती है मीडिया की निगाहें, इसलिए प्रियंका ने बदली बैठक की जगह। राहुल की ताजपोशी की चर्चा के बीच प्रियंका की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला जारी, 17 जनवरी को है कांग्रेस का अधिवेशन। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस में दो राय। मिशन 2014 के लिए आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, लेकिन बैठक में मौजूद नहीं होंगे मोदी। बैठक में एक वोट एक नोट समेत सभी चुनावी योजनाओं की होगी समीक्षा, पार्टी के सभी आला नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में आम आदमी की बढ़ती लोकप्रियता पर भी हो सकती है चर्चा, गुरुवार को संघ ने आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेने देने की दी थी चेतावनी। किरण बेदी ने मोदी को पीएम बनाने का खुलकर किया समर्थन, ट्विटर पर लिखा मेरा वोट नमो के लिए। आज से आम आदमी पार्टी का देश भर में सदस्यता अभियान शुरू, 26 जनवरी तक चलेगी मेंबरशिप ड्राइव। मुंबई में भी दिख रहा है आम आदमी पार्टी का जलवा, पार्टी का दावा अब तक लिए जा चुके हैं 4.5 लाख फॉर्म। मुंबई में अभी आम आदमी पार्टी के करीब 42,000 सदस्य, 3,000 सक्रिय सदस्य कर रहे हैं पार्टी का काम। पटना में लालू यादव के पूर्व मंत्री के घर खुला आम आदमी पार्टी का दफ्तर, रामदेव सिंह यादव ने 1 रुपए प्रति महीने के किराए पर दिया दफ्तर। आम आदमी पार्टी से जुड़ सकते हैं रामदेव यादव, लालू के पहले मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री थे यादव। आम आदमी पार्टी की पूरी देश में दिख रही है लहर, राजस्थान में 10 लाख लोग अब तक ले चुके हैं पार्टी की सदस्यता। अकेले जयपुर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े, हर तबके के लोगों में आम आदमी पार्टी से जुड़ने की होड़। बिहार में भी आम आदमी पार्टी से जुड़ने का लोगों में क्रेज, 5 लाख लोग ले चुके हैं प्राथमिक सदस्यता। बिहार में पिछले 10 दिनों से जारी है मेंबरशिप ड्राइव, सूत्रों के मुताबिक कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में। आम आदमी पार्टी के मगध जोन के कोषाध्यक्ष आनंद कुमार के मुताबिक 8 दिसंबर के बाद पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन सेवा का असर, पहले दिन दनादन बजी फोन की घंटी, करीब 4,000 लोगों ने किया फोन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मुताबिक पहले दिन 53 गंभीर मामले आए सामने, जल्द ही 4 नंबर्स वाली हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत। दिल्ली में हर शनिवार लोगों से मिलेंगे केजरीवाल, सुबह 9:30 से 11 बजे तक सुनेंगे लोगों की शिकायतें। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में दर्ज हुआ एडिशनल एसएचओ के खिलाफ केस, आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार ने दर्ज कराया मुकदमा। विधायक मनोज कुमार का आरोप, गाजीपुर इलाके के एक दुकानदार के साथ हुई थी मारपीट, मदद करने जब थाने पहुंचे तो एडिशनल एसएचओ ने मिलने से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम देखना चाहती है देश की 75% शहरी आबादी, 24 राज्यों की राजधानी में इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे। सर्वे में 23% लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में आपको मिलेगी कामयाबी, 30% को लगता है कड़ी टक्कर देगी आप।
दिल्ली चुनाव के बाद बढ़ गई आम आदमी पार्टी की पहचान। सर्वे में शामिल 24 राज्यों की राजधानी के 89% लोगों ने कहा आपको जानता हूं। 72% राय में आम आदमी की नुमाइंदगी करती है आप। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे। सर्वे में शामिल 51% लोगों की राय में ईमानदार है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 6% मानती है अवसरवादी। तैतालीस फीसदी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख की वजह से आपके समर्थन में। 24% ने कहा नए भारत के सपने ने आपसे जोड़ा। सर्वे में शामिल 60% लोगों ने कहा अन्ना को करना चाहिए केजरीवाल का समर्थन। सर्वे में शामिल 7% लोगों ने केजरीवाल को बताया एंग्री एक्शन हीरो। 34% की राय में साफ छवि की है केजरीवाल। 29% ने छुपा रुस्तम बताया। अमेरिका से स्वदेश लौट रही हैं वरिष्ठ राजनयिक देवयानी खोबरागड़े। भारतीय राजनयिक का मंजूर हुआ राजनयिक संरक्षण का आवेदन। संरक्षण मिलते ही देवयानी को विदेश मंत्रालय किया गया ट्रांसफर। आज स्वदेश पहुंच जाएंगी देवयानी। अमेरिकी अदालत ने देवयानी पर मुकदमा चलाने को दी मंजूरी लेकिन राजनयिक संरक्षण की वजह से पेंडिंग रहेगा देवयानी का केस। अमेरिका ने राजनयिक संरक्षण हटाने का किया था आग्रह लेकिन भारत ने नहीं मानी अमेरिका की बात। 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क में देवयानी की हुई थी गिरफ्तारी। हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने से भारत में मचा था हाहाकार। विवादों के बाद डेढ़ इश्किया के स्पेशल प्रीमियर से अखिलेश का किनारा। लखनऊ में प्रीमियर देखने का कार्यक्रम रद्द। माधुरी दीक्षित के साथ लखनऊ में फिल्म देखने वाले थे अखिलेश। सैफई महोत्सव को लेकर आलोचनाओं के बाद बदला मन। सैफई में नाच गाने पर सलमान की सफाई। फेसबुक पर लिखा यूपी के 200 बच्चों के दिल के ऑपरेशन का लिया जिम्मा। अस्पताल को दिए 25 लाख। शाहरुख ने भी सितारों का किया बचाव। बोले सितारों पर उंगलियां उठाना आसान। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने कहा बतौर अभिनेता हम जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का वीरभद्र सिंह पर हमला। कहा सीएम बताएं मैपल डेस्टिनेशन और ड्रीमलैंड कंपनी किसकी। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह पर बीजेपी ने लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप। मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटा भी आरोपों के घेरे में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 का करेंगे उद्घाटन। मोदी के लिए लोकसभा सीट पर अभी पार्टी ने नहीं लिया फैसला। अमित शाह ने कहा संसदीय बोर्ड को करना है फैसला। कांग्रेस के सांसद आज पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से करेंगे मुलाकात। गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की बढ़ी कीमत वापस लेने की करेंगे मांग। यूपी में राज्य मंत्री पर से रेप का मुकदमा वापस लेने में फंसा पेच। पीड़ित के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला। यूपी सरकार ने बिजनौर प्रशासन को मुकदमा वापस लेने के लिए लिखा खत। 17 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा हुआ खत्म। पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट ने की मंजूर। गुजरात पुलिस ने आसाराम के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सूरत रेप मामले में कसा शिकंजा। चार्जशीट में आसाराम की पत्नी और बेटी बनाई गई सह आरोपी। आसाराम पर बलात्कार के अलावा साजिश और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के मामले। मुंबई के ओशिवारा में आईएएस अफसर के घर से बरामद की गई 2 लाख पौन सीधी किराए पर दिया था घर। आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस को शक इस कारोबार के पीछे हो सकते हैं कई बड़े नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से पकड़ा लैपटॉप चुराने वाला गिरोह। 150 मामले सुलझे। नीलेश चौगले नाम के चोर के खिलाफ पुणे में दर्ज है 90 मामले। मुंबई में भी दर्ज है लैपटॉप चोरी के 45 केस। 2 साथी भी गिरफ्तार। क्यूनेट स्कैम में फंसे माइकल फरेरा के ने कहा भागने की नहीं कर रहे हैं कोशिश। 425 करोड़ के घोटाले में पुलिस ने जारी कर रखा है लुकआउट नोटिस। गुड़गांव के मानेसर में एनएसजी का कमांडो गिरफ्तार। 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप। एनएसजी कमांडो के बेटे के साथ अक्टूबर नवंबर महीने में पार्क में हुआ था कुकर्म। बच्चे ने 2 दिन पहले अपने पिता को बताई कमांडो की करतूत। फरीदाबाद में श्रम मंत्री के घर के पास हुई हत्या के आरोपी पकड़े गए। 2 जनवरी को हुई थी हत्या।
पता पूछने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा, मृतक ने उसी दिन किया था दुकान का उद्घाटन, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज झाटेकर के निलंबन के मुद्दे ने पकड़ा तूल, राज्यपाल निवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली के सिलमपुर में लड़की को अगवा कर बंदूक की नोक पर रेप, आरोपी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दो दिन तक रेप करने के बाद पीड़ित लड़की को नोएडा में फेंककर फरार हुआ आरोपी, साजिश में शामिल एक महिला गिरफ्तार। दिल्ली में वाराखंबा रोड की एक इमारत से 25 साल के युवक ने छलांग लगा करके खुदकुशी, नौकरी की तलाश में था युवक। इमारत नीचे खड़े जिस शख्स पर गिरा युवक, उसकी टांग भी टूटी, मरने वाले शख्स का नाम था राकेश। पूर्वी दिल्ली के न्यू कोनली इलाके में एक संकरी नाली से 18 साल के लड़के की लाश बरामद, पुलिस ने चचेरे भाई और उसके दो दोस्तों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक महिला ने चार बच्चों समेत खाया जहर, महिला और एक बच्चे की मौत, तीन की हालत नाजुक। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने बच्चों के साथ मिलकर खाया जहर, तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती। नोएडा सेक्टर 44 के सदरपुर गांव में शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली में बड़े कारोबारियों को मैसेज कर धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार।